बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है, एक बड़े साइज़ का आलू लिया है जिसके मैंने इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं, चार सब्ज़ मिर्चें, एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज, एक टमाटर लिया है इसके भी मैंने चार हिस्से कर लिए हैं, दो लीमू इस्तेमाल करेंगे, दो चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, एक चम्मच मोटा पिसा हुआ ज़ीरा, ज़रूरत के मुताबिक नमक और आधा चम्मच हल्दी। तो ये चीज़ें हैं जो हम चिकन रोस्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसे बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा पॉट ले लिए, इसमें हम आधा कप घी डाल देंगे। घी या ऑयल आप जो इस्तेमाल करते हैं आप वो ही इस्तेमाल करें। इसे हल्का सा हम गर्म कर लेंगे। घी हल्का सा गर्म हो गया, अब इसमें हमने चिकन डाल देना है। और साथ ही इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसकी 6 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो इसे 6 से 7 मिनट मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब ये मसाले इसके अंदर डाल देने और साथ ही इसमें ये आलू डालेंगे। आलू में छिलके के साथ ही इस्तेमाल कर रही हूँ। टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज, ये चारों चीज़ें इसमें डाल देनी है। अच्छी तरह से हिला लेना है। इसमें लीमू काट के डाल दूंगी, आप चाहें तो लीमू का रस आप इसमें डाल सकते हैं। बीज मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। हल्का सा पानी का छींटा लगा देना है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, ये देखें। अब इसमें पानी डाल देना है, तकरीबन 3 लीटर के करीब। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसे कवर कर देंगे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। अगर आप इसे मटन या बीफ में बनाएं तो आप इसे तकरीबन 3 घंटे के लिए कवर करें हल्की आग पे। तो चिकन है तो इसलिए मैं इसे 1.5 घंटे के लिए कवर कर दूँगी बिल्कुल हल्की आग पर। तो इसे पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है, चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और आलू भी। तो ये हमारा चिकन रोस्ट तैयार हो गया है। ये देखें, जो यखनी है वो भी आधी रह गई है। तो पूरा 1.5 घंटा मैंने इसे पकाया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे बाउल में निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे छान भी सकते हैं, इसमें से ये टमाटर वगैरह आप निकाल दें, प्याज जो है वो भी निकाल दें, क्योंकि जो इसका टेस्ट है वो तो यखनी में चला गया है। तो अगर आप ऐसे ही इसे खाना पसंद करते हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन रोस्ट बन चुका है। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार चिकन रोस्ट बन के तैयार है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।